जो प्रतिनिधि चुनाव जीत कर आए हैं, कुछ दिन पहले कुछ लोगों की हत्या हो गई थी, 6 महीने में पूरी तरह मामले को कंप्लीट करेंगे और स्पीडी ट्रायल चलाकर सजा कराएंगे। अधिक थ्रेट होगा उसको सरकारी स्तर पर अंगरक्षक उपलब्ध कराए जाएंगे, उनको लाइसेंस देने का काम करेंगे जिससे कि उनकी सुरक्षा और अधिक हो जाए। बिहार सरकार के मंत्री सम्राट चौधरी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। बताते चलें कि बिहार विधानसभा में मीडिया कर्मियों के समक्ष उन्होंने बात की है और कई मुद्दों को सामने रखा है। बताते चलें कि नए जो मुखियाओं का चुनाव हुआ था उसके में मुखिया चुनाव में और कई ऐसे जो चुनाव हुए थे जिसमें कई लोगों की जान चली गई है, मुखिया प्रत्याशियों का हत्या हो गया, इस तमाम चीज़ों को लेकर पहले भी बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने सवाल उठाया था। और अब देखिए, आज उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा है कि इन लोगों के सुरक्षा के लिए होम डिपार्टमेंट यानी कि गृह विभाग के द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है जो तमाम जिला के जिलाधिकारियों को दिया गया है। उन्होंने अपने बयान में यह भी बताया कि इन तमाम जिलाधिकारियों को बताया गया है कि अगर जो भी मुखिया प्रत्याशी हैं या मुखिया उम्मीदवार थे जो अब मुखिया बन चुके हैं, उनको सुरक्षा के लिए अगर पर्सनल बॉडीगार्ड यानी कि अंगरक्षक की ज़रूरत हो तो जिलाधिकारी के तरफ से या फिर पुलिस अधीक्षक के तरफ से उन्हें मुहैया कराया जाए। क्या कुछ कह रहे हैं पंचायती राज मंत्री, पहले आप ये सुने। देखिए, अभी हम लोग बिहार में जो प्रतिनिधि चुनाव जीत कर आए हैं, 2,57,000 जो हमारे प्रतिनिधि हैं, इनके सुरक्षा की चिंता थी, सरकार लगातार इस पर काम कर रही थी। कुछ दिन पहले कुछ लोगों की हत्या हो गई थी तो हम लोगों ने 13 पॉइंट्स बनाकर जिसमें यह तय किया था कि 6 महीने में पूरी तरह मामले को कंप्लीट करेंगे और स्पीडी ट्रायल चलाकर सजा कराएंगे। अब उसमें एक और निर्णय हम लोगों ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हुआ। होम डिपार्टमेंट ने इस पर आदेश भी जारी किया है सभी जिलाधिकारी को कि जो सुरक्षा की मांग करेंगे, जिनको सरकारी स्तर पर जहाँ सुपर थ्रेट होगा, जहाँ अधिक थ्रेट होगा, उसको सरकारी स्तर पर अंगरक्षक उपलब्ध कराए जाएंगे। और जो लोग आवेदन करेंगे कि हमको सशस्त्र बल सशस्त्र के लिए अग्रपति जारी किया जाए तो उसमें हम लोग उनको लाइसेंस देने का काम करेंगे जिससे कि उनकी सुरक्षा और अधिक हो जाए। सर, उत्तर प्रदेश में भाजपा हराओ नारे के साथ मुकेश सहनी चुनाव लड़े थे, क्या कुछ कहेंगे क्योंकि यहाँ पे आपके सहयोगी दल? अभी सिर्फ और मुखिया और पंचायत समिति के सदस्य प्रतिनिधि की सुरक्षा की चिंता है सरकार को, इसको हम लोग पूरा करेंगे। तो आपने सुना कि सम्राट चौधरी का कहना है कि जिस तरीके से मुखिया प्रत्याशी लोगों की मौत हुई है, गोली मारकर हत्या कर दी गई, इन तमाम चीज़ों को लेकर सरकार लगातार उस तमाम चीज़ों पर ध्यान दे रही है। और इतना ही नहीं, इन्होंने यह भी कहा है कि जो मुखिया हैं या फिर सरपंच हैं उन्हें अगर पर्सनल वेपन भी रखना है यानी कि पर्सनल लाइसेंस चाहिए गन का, तो उसके लिए भी वो अप्लाई कर सकते हैं और विभाग उनको सहूलियत देगी और उन्हें गन अप्लाई करने में आसानी भी होगी। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि आने वाले समय में अगर इस तरीके की स्थितियां होती हैं तो गृह विभाग उन्हें पर्सनल बॉडीगार्ड यानी कि अंगरक्षक भी दे सकता है। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही, आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें DTV भारत। नमस्कार।